खा रहे हैं। हम हर किसान की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। देश में वर्तमान में कई एजेंसी की अलग अलग प्रमाणीकरण प्रणाली के कारण दूध और दूध उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे प्रमाण पत्र के कारण वाराणसी में पीएम मोदी का खास प्रोग्राम और सीएम भी इस मौके पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि बेहद खास आज के दिन को माना जा रहा है, क्योंकि आज कई यहां पर सौगातें मिल रही हैं। यूपी को सबसे अहम ये कि पीएम करिख्याओं में अमूल दूध प्लांट का सगी बुनियाद, और इस मौके पर ये तमाम किसानों की भीड़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण से तैयार आवासीय अभिलेख घरौनी स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के कुल 48 जनपदों के 2006 गांवों के करीब 3.25 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित हो चुकी है। इसके बाद इस कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरण हो जाएगी। इनमें से माननीय प्रधानमंत्री 6 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा घरौनी देंगे। सर्वप्रथम लाभार्थी हैं विनोद कुमार जी। तो नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि वाराणसी में मौजूद हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और कसीर जहती तरक्याती इकदामात का उन्होंने यहां पर आगाज किया है। यूपी की रियासती सरहदी तरक्की अथॉरिटी के फूड पार्क में बांस डेयरी का भी संगी बुनियाद रखा। आपको बताएं कि 30 एकड़ अराजी पर यह डेयरी तकरीबन 475 करोड़ रुपये की लागत से तामीर की जाएगी। देही मईशत को तकवीत मिलेगी, साथ ही साथ दूध की पैदावार से मुतालिक कोऑपरेटिव यूनियन प्लांट रामनगर वाराणसी के लिए बायोगैस पर अपनी बिजली बनाने वाले प्लांट का संगी बुनियाद भी रखा जाएगा। बेहद अहम इसको माना जा रहा है, और पूर्वांचल में सफेद तहरीक से इसे ताबीर किया जा रहा है। आपको बताया कि बांस डेयरी से वाबस्ता अफराद के खातों में रकम भी मुंतकिल की जाएगी। तो बेहद अहम पीएम का ये दौरा। दशरथ पाल जी, जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी हलका भी है, चंद्रशेखर मौर्य जी, इसलिए यहाँ की हम जहाँ तरक्की पर वो खास तवज्जो दे रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा गया, काफी तकलीफ हुई है, और बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगी कि वे डिजिटल माध्यम से रिमोट द्वारा नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस विशिष्ट अवसर पर वाराणसी के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होने जा रहा है, जिनमें शामिल है लोकार्पण हेतु नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विकास एवं अन्य 22 परियोजनाएं, जो कि 870 करोड़ 16 लाख एवं शिलान्यास हेतु 3 परियोजनाएं जिनकी लागत है 731 करोड़ 51 लाख रुपए, यानी कुल 1601 करोड़ 67 लाख रुपए की विकास कार्य आज
यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा दिखाई जाएगी। धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी में नित नए विकासोन्मुख परियोजनाओं की वानगी चौं ओर दृष्टिगत हो रही है। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है कि यहाँ जन उपयोगी परियोजनाएं लगातार पूर्ण हो रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पुनः काशीवासियों को 870 करोड़ लागत की परियोजनाएं सौगात के रूप में मिल रही हैं और 1225 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। गंगा निर्मलीकरण के लिए सतत संकल्पित प्रधानमंत्री जी आज 131 करोड़ 31 लाख की लागत से रमना में 50 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकार्पित कर रहे हैं। इससे अब अशुद्ध जल सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होगा तथा स्नानार्थियों को भी सुविधा होगी। बीएचयू के पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में 130 करोड़ की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्सेस हॉस्टल और धर्मशाला निर्मित होने से अब मरीजों तथा डॉक्टरों को काफी सहूलियत होगी। 128 करोड़ की लागत से काशी के चप्पे चप्पे पर एडवांस सर्विलांस कैमरों की स्थापना की गई है। अब शहर की सुरक्षा एवं निगरानी और बेहतर ढंग से होगी। 107 करोड़ 36 लाख की लागत से बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र के निर्मित होने से किंडर गार्डन से लेकर स्नातकोत्तर तक के शिक्षकों को काफी लाभ होगा। पर्यटन नगरी काशी में यातायात दबाव को कम करने और जनता के लिए सुंदर पार्क के रूप में 90 करोड़ की लागत से बना बिनिया बाग पार्क एवं भूमिगत पार्किंग किसी उपहार से कम नहीं है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पुरानी काशी के 5 वार्ड काल भैरव, राज मंदिर, दशाश्वमेघ, गढ़वासी टोला और जंगम बाड़ी में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से सीवर लाइन मार्ग के चौका पत्थर को परिवर्तित कर वहां की दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किया गया है। इससे क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। बीएचयू में 121 करोड़ 24 लाख की लागत से 160 आवासीय फ्लैट निर्मित होने का फायदा अब शिक्षकों को मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का पुनर्विकास हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा। टेम्परेचर माप और प्रेशर के कैलिब्रेशन के लिए रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रयोगशाला का निर्माण 9 करोड़ 3 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है, जिससे विभिन्न संस्थानों को परीक्षण में सुविधा होगी। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में शिक्षक शिक्षा केंद्र की स्थापना 7 करोड़ 1 लाख की लागत से की गई है। इसकी स्थापना से तिब्बती, पाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। भद्रासी में 9 करोड़ की लागत से बने आयुष अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होने लगेगी। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में 5 करोड़ 35 लाख की लागत से सत्संग एवं लंगर हॉल के निर्मित होने का लाभ 1000 श्रद्धालुओं को मिलेगा। चांदपुर के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 3 करोड़ 55 लाख से स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कम समय में किसान नई प्रजाति प्राप्त कर सकेंगे। नदेसर एवं सोनभद्र तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ 40 लाख से पूर्ण हुआ है, जिससे भूमिगत जल संचयन होने के साथ ही नागरिकों को भ्रमण की सुविधा भी मिलेगी। आईटीआई करौंदी में 2 करोड़ 75 लाख से बने आवास से अब कर्मचारियों को लाभ होगा। तो वाराणसी को पीएम नरेंद्र मोदी की कई सौगातें